चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर। अक्षिता खेल रही है यहाँ पे, राघव खिला रहा है इसको टेडी बियर से। आए अक्षु अक्षु अक्षु, हंसो हस्त। और हंसो, हंस कर दिखा दो, जोर की पूरी जोर से हंस कर दिखा देना। हंस के दिखा दिया अक्षु ने, तो हंस के दिखा दिया भाई। राघव 3 दिन की छुट्टी पड़ रही, मजे आ रहे हैं। अरे कल की हो रहा है बस, परसों को जाना है। 3 दिन की छुट्टी पड़ी। और अक्षिता की तो छुट्टी छुट्टी, अक्षिता को तो स्कूल जाना ही नहीं अभी है। तो भी जाएगी स्कूल, जाएगी अक्षु स्कूल, जाएगी चली जाइए राघवर के साथ, जाइए स्कूल में, है ना। और अक्षिता रिद्धि को देख कर बहुत खुश हो जा। रिद्धि जैसा आते ही से कह अक्षी, और ये एकदम हंसने लगे हैं, है ना। और अंकल कह रहे कि अक्षिता को धूम में ले, धूप निकल गई आज तो, चलो अक्षिता धूम में। नन्ना बुला रहे आपके, धूप में बैठेंगे थोड़ी देर, धूप निकल गई आज तो सुबह सुबह, आज तो सुबह ही धूप निकल गई अक्षु, आज तो सुबह सुबह धूप निकल गई, धूप निकल गई, चलो धूप में चलो चलो चलो, तुझे लेके चलते। और ये देखो रिद्धि को लहंगा पहन रही है, चूड़ी दिखाई है रेखो, और को दिखा कितनी कितनी चूड़ी पहन रही, चूड़ियाँ दिखाए देखो, ऐसा बहुत शौक है ब्याली बनने को, है ब्याह करवावेगी। तू तो कह कौन सी गाड़ी लेकर जाएगी तू, है कौन सी गाड़ी लेकर जाएगी फिर, जल्दी बता। बुलेरो दे देगा तेरा पापा। अच्छा अन्य ब्याह नहीं करवाने की जो ना दी, है जो बुलेरो देगा जी भी करवाएगी ब्याह। हंस रही रिद्धि, अक्षी भी हंस रही, अक्षी रिद्धि नु क्या बुलेरो लेकर जाऊंगे, अन्य ब्याह नहीं करवाने की जो बुलेरो ना दी। ये प्याली तुलसी जी न देखो क्या पैर रखो, हाँ ए तो कौन सी गाड़ी लेकर जाएगी, है आए रिद्धि तो बुलेरो लेकर जाएगी, अगर बुलेरो ना दी इसके पापा ने अब ब्याह ही नहीं करवाने की। तू बता अच्छा गाड़ी लेकर जाऊंगी, कौन सी है? कौन सी, वो बड़ी वाली, बड़े वाली बस, बस तू तो अधी कर रही, या बस लेकर जाएगी। एक बुलेरो लेकर जाएगी, एक बस लेकर जाएगी, और जो नदी बस किसी ने फिर टेम्पू। बता भाई तुलसी तो टेम्पू में भी काम चला लेगी, अगर बस नदी पर रिद्धि ने चलाने की, रिद्धि को तो बुलेरो ही चाहे, तो बुलेरो के बिना चलने की नहीं। ये देखो डांस, नाचिए नाच, ये तो लोंडी पूरी वो रही, बस क्या कह दे इन्हें, जरा जरा सी जागती है। अक्षी कौन सी गाड़ी लेकर जाएगी, अक्षी अक्षी तू भी बता दे, तू भी बता दे कौन सी गाड़ी लेकर जाएगी तू। आए ये तो बस लेकर जाएगी भाई तुलसी तो, अरे बुलेरो, और तू कौन सी लेगा राघव,
हीरो की कार जिसकी छत खुला है। जिसकी छत खुला। अच्छा जिसकी छत खुला गाड़ी की वो वाली लेगा राघव। ये देखो अक्षिता खेल रही है अपने मम्मा के साथ। शुभम वो देखो लो। ये शुभम है। रुई ए बोबो क्या लाइट क्या हो रहा है। योगी आ गए हो। योगी आ गए हो। आए योगी आ गए हो। देख ची कितनी कितनी चूड़ी पहन रही है। चूड़ी बुड़ी से कहा पहन रखी तुमने। किताब भी डालो तुम। ये किताब के नाम पे तो बोलने की भी नहीं। स्पीड तो सुनो ना। इस तभी स्पीड दे आती नहीं। और दोस्तों हम आ चुके थे ऑफिस से और आते हुए दोस्तों सब्जी भी लाए हैं और साथ में आज सब्जी नहीं बनाएंगे मतलब आज अंडा करी बनाएंगे। पापा जी बनाएंगे आपको तो पता ही है पापा जी अंडा करी बहुत अच्छे बनाते हैं। मैं वैसे दिखा देता हूँ आपको सब्जियों में हम क्या क्या लाए हैं। ये देखिए दोस्तों ये तो है गोभी 1 किलो से ज्यादा है 1.25 किलो 1.25 किलो थी। ये है इसमें हरा धनिया 2 किलो टमाटर और 1 किलो हरी प्याज। और ये लाए थे दोस्तों हम 10 अंडे ये रे पापा जी के पास। और मम्मी जी ने सब ये मसाला कूट के रख लिया है प्याज व्याज और लहसुन अदरक। अदरक क्यों डाला हमें अदरक अच्छा नहीं लगता मुझे। कद्दूकस कर दिया ना। अच्छा कद्दूकस कर दिया स्वाद खराब कर देता है। एक पोथी लहसुन छील रखी है तो कच्चा करा। अरे मम्मी जी इसमें क्या कर रही हो। अच्छा अंडे उबालने के लिए पानी। क्या कह रही हो माँ। दो पोथी ये इतनी सी छोटी छोटी होंगी फिर ये बारीक सा। चलो और साग भी बच रहा है हमारा। मम्मी तो मुझे लगता है साग ही खाएंगे। और दोस्तों ये रही हमारी ब्राउनी। कैसे बैठी है ठंड में देखो बिल्कुल सीधी बैठी है। ठंड लग रही है क्या ठंडी मान रही हो। बैठ जा अपनी इस पे चद्दर पे गरमाई ले ले इसकी। देख रही है इसको अपन अंडा खाना है। इसके भी दो अंडे अलग से लाए हैं दोस्तों इसे भी डाल लेंगे उबाल के। और ये तो अभी से देख रही है अभी तो टाइम लगेगा इतनी जल्दी क्या है। और इधर मम्मी जी साग गर्म कर रही हैं माँ जी खाएंगी हैं। भूख लग गई माँ। और इधर मम्मी जी ने ये कौन सा आटा है मम्मी बाजरे का मक्के का। ये मक्के और बाजरे दोनों का मिक्स करके मम्मी जी आटा गूंथ रही हैं। ये देखने में आसान लगता है लेकिन इसकी रोटी बनाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये गूंथने के बाद मतलब ये जैसे भी इसको बनाते हैं ना तो टूट जाती है ना इसकी रोटी मम्मी। हर कोई नहीं बना टूटता जिनको बनानी नहीं आती हमारे पास तो टूटती। हमें वही तो आसान नहीं है जिसको आती है वही बना सकता है। और माँ जी इधर देखो साग घुमा रही है इधर से। माँ जी को साग बड़ा पसंद है। साग आते ही काम पे लग जाती है कि अगले दिन बन जाए बस साग। और जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमने हीटर भी निकाल दिया है। ये फ्लिपकार्ट का ही लिया था हमने। बड़ा मतलब अच्छी हीटिंग देता है बढ़िया एकदम मतलब एक कमरा कूल कर दे कमरा कूल कह रहा हूँ हीट कर देता है। ये ज़्यादा ठंड में सही रहता है ये। और अब हमारी बच्ची भी छोटी है तो चलाना ही पड़ेगा तो अभी तो बंद कर रखा है। जब वो आ जाएगी फिर तो रेगुलर चलेगा। और ये मम्मी रखी नहीं सब्जियाँ इधर ही रखी रहेंगी ये सब्जी वब्जी। अभी जब धो जाएंगे ना दोस्तों फिर रख देते हैं ना फ्रिज के अंदर। क्या कह रही हो माँ। टमाटर ही तो धोएंगे बाकी तो रख दो। हाँ टमाटर ही तो धोएंगे बाकी तो रख ही देता हूँ मैं। लो दोस्तों मैं ही रख देता हूँ बाकी तो अभी काम कर रहे हैं सब। और ये दोस्तों गोभी तो रख दी है प्याज और ले आता हूँ। ये ले आई है माँ जी प्याज। पन्नी से खोल कर रखनी पड़ेगी खराब हो जाती है हरी प्याज।
अच्छा जी, मुझे तो पता ही नहीं, तो मैं तो ऐसे ही रख देता। बस खोल के रखनी है ना, निकाल के तो नहीं रखनी मम्मी। ठीक है रख दी है अभी। ये चटनियाँ रखी हैं पता नहीं कभी, लाल और वैसी चटनी। और ये देखिए दोस्तों, मम्मी जी ने बाजरे की और मक्की की मिक्स रोटी बनानी चालू कर दी है, और एक तो बना भी चुकी है, माँ जी को दे दिए, दिखाता हूँ आपको कैसी बनी है। ये ले रही है इधर माँ जी। और ये दोस्तों रखा है माँ जी का डिनर। डिनर में देखिए बाजरे की रोटी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी परफेक्ट बनी है बिल्कुल, और साथ में सरसों का साग। तो सर्दियों में सरसों का साग और मक्की की और बाजरे की रोटी तो मज़े ही आ जाते हैं। सात तरियों का, सात तरह का नहीं, सारी तरियों का, सारी तरीकों में सात तरह का। अच्छा चलो, का सरसों का, बथुए का, मेथी का, चार तरियों का साग, चार तरियों का है। और माँ जी को साग बहुत ज्यादा पसंद है ना माँ? पसंद है। ठीक है, है माँ मम्मी? ऐसा नहीं लग रहा। अरे माँ जी को रोटी दे आता हूँ, लो माँ जी है रोटी। नहीं मैं अंडा करी खाऊंगा। और लीजिए दोस्तों, हमारी अंडा करी बन के रेडी है। और अभी मैं सिर्फ एक अंडा लिया क्योंकि मैं एक ही अंडा खा पाता हूँ, दूसरा अंडा नहीं खा पाता, तो पहले एक ही ले रहा हूँ, अगर खाया गया तो दूसरा भी लूँगा, और साथ में गर्मा गर्म रोटी। तो आइए दोस्तों, आप भी हमारे साथ अंडा करी खाइए और इस सर्दी में अंडे का आनंद उठाइए। तो दोस्तों आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा दोस्तों।